बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सी हुडिया ब्यूटी सीक्रेट आइडियाज़ में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं वुमेंस एंड गर्ल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त पैकेज लेकर आई हूँ। जिन गर्ल्स या वुमेंस को टाइम नहीं मिल पाता कि आप लोग सैलून या पार्लर जाके अपनी स्किन केयर रूटीन ले सकें, तो उसके लिए ये है कि मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ जो आप लोग अपनी स्किन केयर रूटीन में ले सकते हैं फेशियल, वो भी घर में। खुद से आप लोग अपनी स्किन को बहुत ज़बरदस्त वाइटनिंग और मॉइस्चराइजिंग, साथ साथ स्किन पर ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग एंड ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह रिमूव कर सकते हैं। और जितनी भी अपने फेस पर वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, ग्लोइंग लाना चाहते हैं वो आप लोग घर में इजीली गर्ल्स, टीनेजर गर्ल्स, वुमेंस ला सकते हैं। और रिजनेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को हाई रेट वगैरह के फेशियल लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त फेशियल है जो कि आज इस वीडियो में टॉपिक है, जो प्रोडक्ट है वो है डर्मा क्लियर। जैसे कि आप लोग जानते हैं डर्मा वालों के बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम के फेशियल हैं, डर्मा कोस, डर्मा क्लियर, डर्मा गोल्ड, लेकिन ये जो है डर्मा क्लियर है जो आप लोग इजीली देख सकते हैं। इसके 5 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप जो है स्किन वाइटनिंग सॉल्यूशन है और ब्राइटनिंग फेस फ्रेशनर है, जो एज अ टोनर के तौर पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं एंड मेकअप रिमूविंग के लिए, और आप लोगों की स्किन को रिलैक्स करने के, अच्छे से डस्ट वगैरह क्लीन करने के लिए आप लोग ये यूज़ करें। अगर आप लोग ये नहीं यूज़ करना चाहते, फर्स्ट टोनर के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप टोनर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इसके साथ है स्किन वाइटनिंग सॉल्यूशन एंड ब्राइटनिंग डीप क्लेंजिंग, जो आपके फेस से बहुत ज़बरदस्त तरीके से डीप क्लेंजिंग करेगा और स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, सॉफ्ट एंड स्मूथ रखेगा, साथ साथ फेस को ऑयल फ्री भी करेगा। लेकिन जिन लोगों की डार्क स्किन है, ड्राई स्किन है, उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र ऐड है और जितनी भी डस्ट है वो आप लोगों के फेस से क्लीन कर देगा। तो इसमें जो है, जो आप हमारी स्किन में प्रोडक्ट्स रह जाते हैं बाज़ों का मेकअप वगैरह, ये वो तो ईज़िली आप लोगों के फेस से क्लीन कर देगा। जो थर्ड स्टेप है वो है स्किन वाइटनिंग सॉल्यूशन फेस स्क्रब, जो आप लोगों के स्किन में जितने भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डेड स्किन है वो रिमूव करता है, डार्क पैचेस को कवर करने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड स्क्रब नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्ड स्क्रब होता है, काफ़ी लोगों को रैशेस भी हो जाते हैं और एंटी एक्ने स्किन के लिए बहुत जो है वो हार्ड रहता है जो कि स्क्रब होता है। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और क्रीमी फॉर्म में है स्क्रब। और फोर्थ जो ये जो मैंने अभी लिया था वो है स्किन वाइटनिंग सॉल्यूशन ब्राइटनिंग क्रीम, मसाज क्रीम थी, जो आप लोगों की स्किन को रिलैक्स करेगी, फेस पे ग्लोइंग लाएगी और बहुत ज़बरदस्त आप लोगों की स्किन को जो है जितने भी टिश्यूज़ वगैरह हैं स्किन के, जितने भी आप लोगों की पोर्स ओपन हुए हैं फेशियल के बाद, उसको रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। और जो फिफ्थ है वो है स्किन वाइटनिंग सॉल्यूशन फेस मास्क। जितने भी आप लोगों ने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किया है, यानी कि जितने भी स्टेप यूज़ किए हैं, उसके बाद आप लोगों की स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, आप लोगों की स्किन रिलैक्स होती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से जब हम डस्ट वगैरह रिमूव करते हैं तो उसको कवर करने के लिए फेस मास्क एज अ फेस मास्क पोर्स कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको आप फर्स्ट स्टेप को एज अ टोनर के तौर पर फेशियल के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन के सेल अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। जो ये मास्क है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो जितने भी जैसे कि एंटी एक्ने स्किन होती है या ऑयली स्किन होती है, तो हम लोग जितने भी मसाज करते हैं फेस पर, जितने भी हमारे क्लींस या क्रीम वगैरह एब्जॉर्ब होती है, तो उसको अच्छे से आप लोगों की स्किन में कवर करने के बाद और आप लोगों की स्किन के पोर्स कवर करने के लिए, ताकि आप लोग जब बाहर जाएं तो आप लोगों के अगर पोर्स ओपन होंगे तो डस्ट फिर से जाती है और फिर से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स एंड एक्ने होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए मास्क यूज़ करते हैं। तो ये ज़बरदस्त पैकेज था, मैंने मैक्सिमम जो है 2000 तक की रेंज में से लिया था, लेकिन अगर इसके थोड़े से अप डाउन जिस तरह से रेट होते रहते हैं, तो अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग ज़रूर, अच्छा लगे तो आप लोग ले लें।
तो ये वैसे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मैं आप लोगों के साथ जब भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद जो है हम लोगों ने घर में इसे यूज़ किया है और मैं ख़ुद भी यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसके बहुत बेस्ट रिज़ल्ट हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना स्किन पर रैश करती है ना तो बहुत ज़्यादा, ये जो कि बेबी स्किन वालों के लिए है, बेबी स्किन वालों के लिए बेस्ट है, मैच्योर स्किन के लिए भी अच्छी है, लेकिन बाज़ों को वो चीज़ें नहीं सूट करती हैं तो इसका कोई इशू नहीं है, ये बहुत बेस्ट है। तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक शॉप से या आप चेज़ वगैरह से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं, इजीली मिल जाता है डर्मा क्लेयर। और इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी वीडियो या कोई भी टॉपिक पर ब्यूटी टिप्स के हवाले से चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एंड साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा, इससे आप लोगों को हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, अपडेट्स एंड न्यू वीडियोज़, न्यू आइडियाज़ देखने को मिलते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी होममेड रेमेडी चाहिए जो इफ़ेक्टिव हो और जिससे साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो आप लोग मेरे इस चैनल में इजीली हर लिहाज से देख सकते हैं। ऑल स्किन जो टाइप्स होते हैं जिसमें डार्क सर्कल, विंकल्स, फाइन लाइंस एंड डार्क पैचेस, डलनेस, बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, हर तरह के लिहाज से मैंने इसमें होममेड रेमेडीज़ भी डाली हुई हैं और कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी दिए हुए हैं। तो आप लोग वो ज़रूर देखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।